तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो बेसिकली uh, यहाँ से एक्सलेशन डिटेटिंग ऑन द सरफेस एट द पोल इज जी मतलब ये होता है अपना पोल तो ये वाली लाइन डॉट 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 ये अर्थ का पोल है तो ये वाली यहाँ ये जो है पोल है और इस पर जो है वैल्यू ऑफ जी जी है ठीक है एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस अपनी एक्सिस पे जो अर्थ है इस वाली लाइन पे वो ओमेगा से घूम भी रही है भाई कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है एन ऑब्जेक्ट वेट एट द इक्वेटर एट हाइट एच एब द पोल बाई यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस अब एक ऑब्जेक्ट है वेट एट द इक्वेटर एंड ए हाइट एच एब द पोल बाई स्प्रिंग इफ वेट आर इक्वल मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस ले लो और भाई एक ऑब्जेक्ट मास पहले ये पोल पे पोल पे एच हाइट पे जाके स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से अगर वेट करते हो ये हाइट एच है पोल से एच हाइट पे है तो जो उसका वेट है और यहाँ पे इक्वेटर पे तो इक्वेटर पे स्प्रिंग बैलेंस यूज करके वेट करते हो ठीक है तो ये वेट डब्लू वन आता है और ये डब्लू टू आता है तो डब्लू टू पोल वाला और वाला इक्वेटर वाला इक्वल है तो एच हाइट पे वेट इक्वल है मतलब मास और मास और जी एट पोल और जी एट इक्वेटर ठीक है तो ये अब ये दिन दोनों जी की वैल्यू इक्वेट कर दो और साथ साथ ये भी रखना ओमेगा आ, रोटेशन काउंट करना है तो जी एट पोल एच हाइट पर भाई रोटेशन का इफेक्ट पोल पे रोटेशन की वजह से क्या होता है जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैमडा तो पोल पर जो होता है पोल पर लेमडा की वैल्यू कितनी होती है नाइन्टी तो जी एट पोल जो आ जाएगा टू दैट इज जी आ जाएगा और लैमडा इज इक्वल टू तो जीरो एट इक्वेटर तो इक्वेटर पर लेटिट्यूड जीरो होता है तो जो जी एट वन आ जाएगा वो आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो ऑब्वियसली इस जी की वैल्यू लेकिन एच हाइट पे एच हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी जी वन माइनस टू एच अपन आर ठीक है बहुत कम हाइट पे मैं जी की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से पोल से एच हाइट पे पोल पर तो यहाँ तो जी होगी और इक्वेटर पे घूमने की वजह से इज इक्वल टू तो जी माइनस आर स्क्वायर ये अब इन हम इन सबको हमको सॉल्व करके क्या ले लेना है बोलो रेडियस रेडियस ऑफ द अर्थ तो वेट सेम है तो एच तो हाइट की कैलकुलेशन करनी है हमें तो यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं जी माइनस टू जी एच ओवर आर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर तो जी ने जी को यहाँ से ख़त्म कर दिया माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और टू जी दिस इज द फाइनल सोलूशन ऑफ़ दिस प्रॉब्लम तो यहाँ से तुम देखोगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और टू जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू जी दैट इज़ सी ऑप्शन सही कर जाता है इसमें ठीक है very, very radius, यह चीज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस आर दैट्स वाई ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लग रहा है ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो